common substance on Earth. It has been with us every moment of every day and is the fundamental building block of life itself. Every living thing needs water to survive. From agriculture to hydroelectric power, we use water in a million different ways. Yet it acts outside all known physical laws of nature. Do we really know the secrets of this amazing element? अच्छा, क्या आपको क्या लगता है, मतलब कैसे सही करना चाहिए इसे गंदगी? गंदगी सही तो यार रोड पे चलेगी नहीं, कैसे सारा गवर्नमेंट भी तो आप ही चुनते हो ना, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? भाई गवर्नमेंट को जैसे ऊपर से बंद हो जाए, छप जा, जैसे बाहर पड़ दो गंदा पड़ दो, चलो नहीं आए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि गंदा है तो ऊपर से छप दो बस, तो पानी तो फिर भी गंदा यमुना में ही जाएगा ना? यमुना में ना डलना चाहिए ना ये, कहीं वो तो जाएगा ही, वो तो जाके मिलना है। यमुना में तो डलना नहीं चाहिए, देखो वो तो एक यमुना तो आदमियों का धर्म स्थल भी है, सभी काफी लोग मानते हैं उसको। दिल्ली में यमुना पूरी काली हो चुकी है, आपको ही बताओगे तो गंदा पानी नहीं यमुना के अंदर नहीं डालना चाहिए ना। लोग खरीदते होंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खाते होंगे यहीं फेंक देते होंगे, कुछ लोग इधर भी फेंकते ही होंगे, नाले में भी फेंकते हैं, राबी द्वारी आती है। अच्छा, ये नाला किसी गंदा नाला है तो नाले में तो मान लो कोई गंदी चीज हमसे कूड़ा भी लाओगे तो नाला फेंक सकते, उसको नाला गंदा है। पाँच साल तब से ये नाला यही ऐसे गंदा है, ऐसे ही चल रहा है। इसमें गंदगी कहाँ से आती है? पीछे से कहाँ? ये हमें नाला है ऐसे थोड़ा, पता नहीं कहाँ से। हाँ, तो ये नाला कहाँ जाता है पता है आपको? ये मुझे पता नहीं कहाँ जाता है, ये तुम्हारा चला गया इधर। एमसीडी पानी कहाँ से लाती है सर? ये ऐसा है एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड का है, पानी का बिल एमसीडी का स्कूल कोई नहीं देता। नहीं वो ठीक है, और ये हमें पता नहीं कहाँ से आता है। चलो ये नाला कहाँ से, जैसे ये सारा पानी जैसे वहाँ से आ रहा है जो ये पानी, ये पानी बोरिंग का ये भी सारा गंदा पानी है? हाँ। और इस गंदे पानी से बीमारियाँ होती होंगी यहाँ पर? और क्या, सब बीमार पड़े, हम भी तो बीमार। तो यहाँ पर सरकार कभी सफाई करवाती है? कौन सफाई यहाँ? आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ हम कम से कम 7 साल से। 7 साल से। अच्छा, और ये नाला कहाँ से आता है आपको पता है? ये नाला यहाँ से इधर से मेडिकल होते हुए आता है, मेडिकल हो गया नरेला इधर का टोटल। और जाता कहाँ पे? जाता है यमुना तक जाता है। ये यमुना में जाके मिल जाता है? हाँ, तो और मतलब सारे घरों का गंदा पानी यमुना में जाके मिल जाता है? और ये नाला हमेशा से गंदा रहता है, कोई साफ सफाई भी करता है? नहीं, साफ सफाई भी होता है कभी। और इस नाले के पानी से कभी बीमारी वीमारी होती है? यहाँ तो अभी तक तो हुआ नहीं है काम। और भैया
यहाँ पर बारिश पड़ती होगी तो पूरा भर जाता होगा पानी से। हाँ, पूरा फुल हो जाता। तो फिर ये सारा गंदगी कहाँ, सारा इनका कचरा कहाँ जाता है? ये सब हम लोग कर लेते हैं ना ऊपर। पर अभी तो बारिश होती होती फटाफट कर लेते ऊपर। अच्छा, और ये जो गंदा पानी आके यमुना में जाता है तो फिर यमुना को गंदा करता होगा। तो यमुना गंदी आपकी सब। और जो फिर आप पानी पीने का पीते हो, आपको क्या लगता है कहाँ से आता है? तो पानी वहीं से आता होगा, यमुना से। तो मतलब हम यमुना में गंदा पानी डालते हैं फिर वही पी लेते हैं? पीते तो वही है। ये तो बहुत गलत, मतलब अपने को हमें गंदा पानी पी रहे ना पूरा, तो हमें यमुना गंदी नहीं करनी चाहिए फिर? तो नहीं नहीं, गलत है। यमुना तो खास करके पीने का पानी होता है, वो सब गंदा करना बेकार होता है।